गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो इसमें पहला पार्ट है क्यूब, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्यूब क्या होता है कि स्क्वायर में आपने देखा था कि नंबर इंटू नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर। क्यूब में क्या होता है कि नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट थ्री टाइम्स, देन द रिजल्ट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ द नंबर। सपोज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट क्यूब ऑफ 5, सो 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो जो आंसर आता है इसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब मतलब अगर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो नंबर्स हमारे 3 के ग्रुप्स में आने चाहिए। जैसे 125 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर द गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट, तो आप देखेंगे कि नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो उसमें सेम नंबर 3 बार आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा 3 बार, जहां भी जो भी नंबर 3 बार नहीं होगा तो वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए आप कुछ परफेक्ट क्यूब्स को याद कर सकते हैं, जैसे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे 1 क्यूब है 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, ऐसे ही 5 क्यूब 125 होता है, 6 क्यूब 216 होता है, ऐसे ऐसे करके आप 10 तक के और 11, 20 तक के क्यूब्स याद कर सकते हैं कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। अब हम बुक से पहला क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का। देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो परफेक्ट क्यूब नहीं होने के लिए क्या होता है, परफेक्ट क्यूब अगर नहीं है तो इसका मतलब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके 3 के ग्रुप में नहीं आएगा। जैसे अभी हमारा पहला पार्ट है 216 को मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन है, देख लीजिए 216 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 108 आया, फिर 54 आया, फिर 27 आया, फिर 27 को किया 3 9 3, ऐसे करके। तो आपने देखा 2 भी 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 100, तो 100 का मैंने फैक्टराइजेशन किया, 2 50s 2 25s 5 5s 5 1s, तो यहाँ 2 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब नेक्स्ट इसी तरीके से आप सारे पार्ट्स करेंगे, बहुत सिंपल हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको वो नंबर ढूंढना जिससे मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जैसे मैंने पहला पार्ट लिया है 243, तो प्रोसेस सेम है, 243 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इस तरीके से 3 81 2 सॉरी 3 27 3 9 3 3 3 1। तो अब आपने देखा कि इसके तो 3 का ग्रुप बन गया, लेकिन इसका 3 का ग्रुप नहीं बना, तो 3 का ग्रुप बनाने के लिए कितने 3 और चाहिए, एक 3 चाहिए, तो इसका मतलब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मैंने लिखा है 243 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है 675 को फैक्टराइजेशन करो, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर 3 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5, फिर 1। फिर आपने देखा कि इसका तो 3 का ग्रुप बन गया लेकिन इसका ग्रुप नहीं बन पाया, इसमें केवल 2 ही हैं, तो 3 का ग्रुप बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए, तो 675 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से हम उसको निकालेंगे, सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मल्टीप्लाई में हमें देखना था कि जो 3 का ग्रुप बनाने के लिए चाहिए वो करना था, लेकिन डिवाइड में व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तो जो एक्स्ट्रा नंबर होगा 3 के ग्रुप के अलावा उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 81 हम देख रहे हैं, 3 ऐसे फैक्टर्स किए इसके, तो आपने देखा कि ये तो 3 का ग्रुप बन गया लेकिन ये छूट गया,
तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि ये हट जाए। तो 81 शुड बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें इतना ही करना है, हमें क्यूब रूट नहीं निकालना है, बस उन्होंने बोला कि किससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे इस तरीके से थर्ड के और पार्ट्स भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पार्ट और किया है मैंने, फिफ्थ पार्ट 704। तो प्रोसेस बिल्कुल दोबारा सेम है, 704 का फैक्टराइजेशन किया, तो इस तरीके से 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 11 आ गया। तो आपने देखा कि 2 का तो ग्रुप बन गया 3 का, 3 यहाँ 3 2 आ गए, फिर 3 2 आ गए, लेकिन 11 जो है एक्स्ट्रा रह गया, तो इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर 704 शुड बी डिवाइडेड बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 cm, 2 cm, 5 cm, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। देखो इसको कैसे करेंगे, डायमेंशन दे रखे हैं, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड की, 5 cm, 2 cm एंड 5 cm। वॉल्यूम निकालेंगे, ये होता है L × B × H, तो 5 × 2 × 5। अब हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो क्या क्या चाहिए, 5 कितनी बार है, 2 बार, आना कितनी बार चाहिए परफेक्ट क्यूब के लिए, 3 बार, तो इसका मतलब एक 5 चाहिए, 2 कितनी बार है, 1 टाइम, तो हमें और कितने टाइम्स चाहिए, 2 टाइम्स, तो 2 × 2, मतलब हर नंबर 3 के ग्रुप में होना चाहिए। तो 5 2 बार है तो एक बार और चाहिए, इसलिए मैंने 5 लिख दिया, 2 एक बार है तो 2 बार और चाहिए, तो 2 × 2 लिख दिया। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ क्यूब इज इक्वल टू 5 × 2 × 2, तो ये हो गया हमारा 20। तो इस तरीके से हम इसको, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई 7.1। कल हम क्यूब रूट्स करेंगे।